यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा धोखा हो चुका है। ऐसा एक बीएसपी के नेता की तरफ, आपको बता दें कि पूर्व में बीएसपी के नेता रह चुके हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था। वो आपको बता दें कि मंच पर मौजूद है। दरअसल अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक कर रहे थे और इसी दौरान पत्रकारों ने जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सवाल पर सवाल पूछा तो उन्होंने बीएसपी के नेता की तरफ जो रहा है पहले बहुजन समाज पार्टी में, अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनकी तरह मेरे साथ भी धोखा हुआ है। इस मामले को लेकर अब आकाश आनंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी के निर्देश पर आकाश आनंद ने अपने सोशल मीडिया चैनल ट्विटर और फेसबुक पर लिखा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी श्री अखिलेश यादव के प्रदेश कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, जहां उन्होंने कहा कि उनके बाएं तरफ बैठे कोई पूर्व बसपा नेता ने उनसे कहा कि मुझे भी ऐसा ही धोखा मिला था। अखिलेश जी आपके साथ चमचे नेता बैठे होंगे, आपको सलाह है कि ऐसे चमचे नेताओं के बारे में माननीय कांशीराम साहब जी की चमचायुग किताब लिखी, इस किताब को पढ़िए और बहुजन समाज के चमचे नेताओं की सलाह पर फोन कब करना है कब उठाना ये तय ना करें, बल्कि दलितों के सच्चे हितैषी है तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या स्टैंड है, प्रमोशन में आरक्षण का बिल आप लोगों ने क्यों फाड़ा। ये आपको बता दें कि आकाश आनंद की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि उन्होंने कहा कि चमचे नेताओं के कहने पर आकाश जो अखिलेश यादव है वो न तो फोन उठाते हैं और न ही फोन करते हैं, इस तरीके की गतिविधियां वो चमचे नेताओं के कहने पर करते हैं। उन्हें माने पर कांशीराम साहब की किताब को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि बहुजन समाज को चमचों की कोई जरूरत नहीं है। बहुजन समाज के अगर आप सच्चे हितैषी है तो बताइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और साथ आप ये भी जानकारी दें कि आप जो आरक्षण में वर्गीकरण के साथ साथ आरक्षण में प्रमोशन का मामले का जब बिल था तब आपने